स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत आरओ भाग 2 के पाठ पुस्तक के अंतर्गत के पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, गद्य खंड भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। ये इसका जो सार है पाठ का, इसको हम पढ़ रहे थे, उसी पाठ के सार को हम थोड़ा और पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप सभी बच्चों से ये कहना है कि बेटा, आप बुक को खोल करके उसमें जो पाठ दिए हैं, जो शब्दार्थ दिए हैं, उनको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए आज के जो हमने आपको इसके पहले का भाग पढ़ाया, उसी पाठ के वो भक्तिन पाठ कैसे, मतलब लेखिका जी ने ये नाम दिया पढ़ा, उसी पाठ के सार को हम और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, इस प्रकार पाठ का जो सार है कि फिर भक्ति की संपत्ति को हड़पने की लालसा। उसके पति ने उसकी बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया, किंतु 36 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया। इसके बाद भी भक्ति ने क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी, और उसने परिश्रम से परिवार का संचालन किया। उसकी मेहनत के कारण ही घर समृद्धशाली था। यह देखकर उसके जेठ और उनके लड़के उसकी संपत्ति की ओर ललायत हुए, किंतु भक्तिन ने उन्हें क्या कहा, दूर ही रखना उचित समझा। उसने अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा हिस्सा भी उन्हें नहीं दिया, बल्कि अपनी दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर बड़े दमान को घर जमाई बनाकर अपने घर रख लिया। किंतु दुर्भाग्य से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इससे उसके जेठ और उनके पुत्रों को उसकी संपत्ति के विषय में फिर आशा जगी। वो ये चाहते थे कि अब यदि मृत्यु हो गई है तो उसकी जो संपत्ति है उसको फिर से मिल जाए। चलिए आगे क्या हुआ। अपमानित और कलंकित भक्ति। एक दिन उसकी मां की अनुपस्थिति में वह युवक उसके घर में घुस गया। भक्तिन की लड़की ने उसकी अच्छी तरह पिटाई की। पंचायत हुई, जिसमें उनके समर्थक गांव वालों ने उन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला सुना दिया। उसकी लड़की अपमानित होकर उसके साथ रहने को बाध्य हो गई। वह स्वयं भी बहुत दुखी हुई। घर में झगड़ा रहने लगा। लगान समय पर नहीं चुकाया गया, इस कारण जमींदार ने उसे दिन भर धूप में खड़ा रहने का कठोर दंड दिया। यह अपमान और कलंक भक्तिन को सहन नहीं हुआ, इसलिए वह कमाने के उद्देश्य से कहाँ आ गई, शहर आ गई। किस चीज के लिए आ गई, क्योंकि इतना अपमान हुआ और अपमानित होने के बाद कलंक भक्तिन को सहन नहीं हुआ, इसलिए वह कमाने के उद्देश्य से कहाँ आ गई, शहर आ गई। नौकरी की तलाश में, यदि वो शहर आई तो किसकी तलाश में, नौकरी की तलाश में। उसने मोटी मैली धोती पहन रखी थी, गले में माला जैसी बैरागी वेशभूषा और गृहस्थ का मिश्रण देखकर लेखिका को लगा कि वह घर का काम नहीं कर सकती। यहाँ लेखिका यानी किसका नाम आ रहा है, महादेवी वर्मा जी का, कि वह घर का काम नहीं कर सकती। किंतु उसने लेखिका को पूर्ण आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया, कि अगले दिन जब वह जली हुई काली रोटी लेकर लेखिका के सामने आई तो लेखिका को लगा कि जैसे वह इसके साथ नहीं रह पाएगी। लेखिका अपने कमरे में बिस्तर में पढ़कर अपने नाम पर खुली पुस्तक रखकर उसे भूलने का प्रयास करने लगी। लेखिका के मन में क्या जगा, क्योंकि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, लेकिन उसने आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि तो उनको क्या लगा कि ये हमारे साथ रह नहीं पाएगी। चलिए आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। भक्तिन की पाक कला।
निश्चित समय पर भक्ति की पाककला। निश्चित समय पर लेखिका जब खाना खाने गई तो उसने लेखिका के सामने काले धब्बों वाली चार रोटियां और गाढ़ी दाल थाली में परोस दी। लेखिका के पूछने पर उसने कहा कि रोटियों के अच्छी सेकने के कारण ये खड़ी हो गई, जबकि वो क्या हो गई थी, कुछ जल गई हूँ, क्योंकि जो रोटियां सेकी उसने तो कैसी सेकी, काले धब्बों वाली चार रोटियां और गाढ़ी दाल थाली में परोस दी। तो उसने क्या कहा, रोटियों के अच्छी सेकने के कारण ये अधिक क्या हो गई, खड़ी हो गई। और दाल होने के बाद सब्जियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए दाल, चूंकि दाल कैसी थी, गाढ़ी थी, तो दाल होने के बाद सब्जियां अच्छी नहीं लगती, वह चटनी बना देगी या गांव से लाया हुआ गुड़ दे देगी। भाई या तो वो सब क्या बना देगी, सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो चटनी बना देगी, या फिर वो जो गांव से गुड़ है तो लाया हुआ है वह गुड़ दे देगी। इसके साथ ही वह तर्क क्या देने लगी कि क्या शहर के लोग धागे के समान पतला सोने चांदी का तार खाते हैं। अरे क्या तर्क दिया उसने कि क्या शहर के लोग धागे के समान पतला सोने चांदी का तार खाते हैं, क्या पतली रोटियां या पतली दाल ऐसे खाते हैं क्या? उसके ससुराल में उसके बनाए भोजन की सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा की जाती थी उसके बनाए। लेखिका एक रोटी दाल के साथ खाकर कहां चली गई, यूनिवर्सिटी चली गई। परंतु उसकी सादगी से वह सरलता का जीवन जीना सीख गई। भक्तिन ने लेखिका के मन को अपने अनुसार बना लिया। भक्तिन ने लेखिका के मन को, जो भक्तिन थी ना, अपने अनुसार बना लिया। उसके गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताओं से भी लेखिका को अवगत कराया। वह शहर में रहकर और लेखिका के साथ रहने पर भी अपना साधारण जीवन नहीं छोड़ पाए। वह शहर में रहकर और लेखिका के साथ रहने पर, मतलब जो जैसी वो सीधी सादी थी, जैसा उसका पहनावा था, जो खान पान था, जो सामान्य जीवन था, वह उसको नहीं छोड़ पाए। वह गांव की भांति लेखिका को क्या कहते पुकारती थी, ओए। जैसे गांव में बहुत बोलते ना, ओए कहाँ जा रहे, ओए क्या कर रहे, है ना। इसी प्रकार वह क्या करती थी, गांव की भांति लेखिका को भी क्या कहकर पुकारती थी, ओए कहकर पुकारती थी। इस प्रकार जो भक्तिन थी उसने लेखिका के हिसाब से जो जीवन है, जो सादगी और सरलता का जीवन वह जीना सीख गई, साधारण। इस प्रकार आगे क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। तर्क वितर्क में निपुण भक्तिन। अब वो क्या थी, तर्क वितर्क में भी निपुण थी। कैसे, लेखिका के इधर उधर पड़े रुपयों को भक्तिन जो थी वो मटकी में डाल दी। जैसे मान लीजिए इधर उधर कोई सामान पड़ा है या जो उनके पैसे हैं जो लेखिका के हैं, तो वो कहाँ डाल देती थी, मटकी में डाल देती थी। लेखिका के साथ, लेखिका के थोड़ा कहते ही वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती थी कि उसने इधर उधर पड़े रुपयों को क्या कर दिया, संभाल कर रख दिया है, वह कोई चोरी नहीं है, इतनी चोरी तो धर्मराज महाराज भी करते हैं, नहीं तो वे संसार कोई नहीं चला सकते। क्या तर्क वितर्क करती थी कि उसने जो आपके पैसे हैं इधर उधर जो पड़े थे वो मटकी में डाल देती थी, और जो रुपए हैं वह कहती थी उनको मैंने संभाल के रख दिया है। अरे ये कोई चोरी थोड़ी ना कि मैंने आपके पैसे रख दिए, इतनी चोरी तो धर्मराज महाराज करते हैं, नहीं तो संसार को नहीं चला सकते। स्त्रियों के सिर मुंडवाने के लिए लेखिका ने भक्ति को रोका तो उसने शास्त्रों का तर्क दिया। स्त्रियों के सिर मुंडवाने लेखिका ने रोका कि भाई स्त्रियां सिर नहीं मुड़वाती हैं या स्त्रियों को सिर नहीं मुड़वाना चाहिए, तो उसने शास्त्रों का तर्क दिया। क्या तर्क दिया कि सिद्ध सिर मुड़वाकर तीर्थ जाते हैं, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध।
कि जो सिद्ध होते हैं। इस प्रकार उसने लेखिका को तर्क दिया, जो सिद्ध हैं वह सिर मुड़वाकर तीर्थ जाते हैं। वह अपना मुंडन हर बृहस्पतिवार को कराती थी। कौन से बार को? बृहस्पतिवार को। क्या कराती थी? मुंडन कराती थी। लेखिका ने सभी नौकरों के लिए हस्ताक्षर करने का नियम बनाया तो भक्तिन ने बड़े तर्क से उसे क्या कर दिया? टाल दिया। लेखिका ने, मतलब जो भी उनके घर के रहे होंगे उनको हस्ताक्षर करने का नियम बनाया, भक्तिन बड़े तर्क से उसको क्या किया? टाल दिया। कैसे? वह कहने लगी कि जब मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा? यदि मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा? उसके तर्कों का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके तर्कों का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा। पढ़ते समय वह इंस्पेक्टर की तरह घूमती और उनकी पढ़ाई के विषय में क्या करती थी? टीका टिप्पणी करती थी। इस प्रकार से वह कैसी थी? भक्ति तर्क वितर्क वाली थी और तर्क वितर्क से वह अपने जवाब दिया करती थी। चलिए आगे और क्या होता है पढ़ते हैं। भक्तिन की सेवा भक्ति। एक बार लेखिका की उत्तर पुस्तकों और चित्रों की व्यवस्था व्यस्तता को देखकर भक्तिन सबसे कहती थी कि ये बिचारी रात दिन काम में लगी रहती, चलो इनके काम में हाथ बटाते हैं, सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। तो भी वह लेखिका के काम में क्या करती थी? लेखिका के काम में सहायता ना देना अपनी दीनता स्वीकार करना समझती थी कि हम सहायता नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो रात दिन क्या लेखक, मतलब जो लेखिका थी, उत्तर पुस्तकों में लगी रहती थी। इसी कारण वह लेखिका के कमरे के द्वार पर बैठकर काम बताने के लिए कहती थी कि भाई आप हमें कुछ काम बताइए। वह किसी ना किसी रूप में अवश्य उनकी क्या करना चाहती थी? मदद करना चाहती थी। और लेखिका की पुस्तक के प्रकाशित होने पर, जब लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होती थी तो वह प्रसन्न होती। वह लेखिका को उसके लेखन कार्य के समय भूख का अनुभव नहीं होने देती थी। वह कभी दही का शरबत और कभी तुलसी की चाय वही दे देती थी। लेखिका रात को देर तक लेखन कार्य करती और उसके पाले हुए सभी पशु पक्षी भी सो जाते थे, परंतु भक्तिन कभी उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। जो लेखिका थी वो रात में बहुत देर तक कार्य करती थी, उनके पाले हुए सभी जितने भी पशु पक्षी हैं वह सब सो जाते थे, परंतु भक्तिन कभी उनको अकेला नहीं छोड़ती। वह भी लेखिका के साथ क्या करती थी? जागरण करती थी और किसी ना किसी प्रकार से उसके काम में क्या करती थी? मदद करती थी, हाथ बटाती थी। वह कभी पुस्तक उठाकर देती थी और कभी क्या करती थी? स्याही उठाकर लाती और कभी दूसरी फाइल लेकर के देती थी। इस प्रकार उसका केवल एक उद्देश्य था भक्तिन का कि वह लेखिका की किसी ना किसी रूप में क्या करना चाहती थी? मदद करना चाहती थी। इसलिए क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहती थी, पढ़ती नहीं थी, और वह कहती थी कि मैं पढ़ती नहीं हूं, परंतु वह किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करना चाहती। चलिए आगे क्या होता है। लेखिका प्रातः जल्दी उठती थी। सोना नामक हिरणी बाहर जाने और बसंत कुत्ता भी नित्य कर्म के लिए बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे समय में लेखिका के साथ भक्ति नहीं रहती थी। वह बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानों पर भी लेखिका के साथ गई। युद्ध की आशंका से उसकी छोटी बेटी और दामाद उसे बुलाने आ पहुंचे, किंतु वह लेखिका को छोड़ने पर सहमत नहीं होती थी। वो कहती थी नहीं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। युद्ध के समय उसने लेखिका के साथ चलने का निवेदन किया। उसने उसके द्वारा किए जाने वाले यथासंभव कार्यों के निष्पादन का भी आश्वासन दिया। जब लेखिका ने कहा कि उसके पास रुपये नहीं है तो उसने बहुत ही सहज भाव से कहा कि उसने अपने घर में रुपए गाड़ रखे और जब युद्ध समाप्त होगा तो लौट आएंगे।
लेकिन लेखिका के यह कहने पर कि उसके लिए इस प्रकार उसके लिए इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, तो उसके उदारतापूर्ण क्षण टूट गए, किंतु उसकी भावना ने लेखिका को बहुत प्रभावित किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। भक्तिन और लेखिका के आत्मिक संबंध। भक्तिन और लेखिका का एक दूसरे से आत्मीय संबंध हो गया था। लेखिका चाहते हुए भी उसे अपनी सेवा से नहीं हटा सकी। उसने सेविका कहना भी लेखिका को उसी प्रकार असंगत लगता था जिस प्रकार आंगन में लगे गुलाब और आम को सेवक मानना। भक्तिन के बनाए हुए भोजन के विषय में छात्रावास की छात्राएं विवेचन करती हैं, करती रहती, किंतु महादेवी को देखते ही वे वहां से चली जाती। इस कारण भक्तिन लेखिका के लिए सवेरे ही खाना बनाकर रख देती। वह लेखिका के परिचितों का सम्मान उसी अनुसार करती थी जिस प्रकार लेखिका। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम द्वारा जानने की कोशिश करती थी। वह लोगों के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। सहृदय भक्तिन सभी के दुख में दुखी हो जाती थी। वह विद्यार्थियों के जेल जाने पर व्यथित हो जाती थी। वह छोटे छोटे बच्चों के जेल जाने पर कलयुग में प्रलय होने की बात करती थी। वह जेल से यमलोक जाने के समान डरती थी। लोग उसे लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे। ऐसे समय में वह महादेवी से उनके सम्मान बांधने के विषय में पूछती थी ताकि उसे कोई असुविधा ना हो। वह भी लेखिका के साथ जेल जाने को अपना अधिकार समझती थी। लेखिका द्वारा उसे जेल ना ले जा सकने के कारण वह स्वयं को अपमानित अनुभव करती और उसे तर्क वितर्क करती। लेखिका ऐसी परिस्थितियों को विषम मानती है, किंतु उसके अंतिम समय को सोचकर लेखिका चिंतामग्न हो जाती है। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको जो भक्तिन पाठ था महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित, उसको मैंने आपको पढ़ाया, समझाया उसके सार को। आपको भी बेटा किताब खोल करके पूरे उसके सार को समझना है। जो मैंने आपको समझाया इसको भी समझना है, क्योंकि इसी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी से छोटे जो रिक्त स्थान हैं, सत्तसत्त हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी, जब आप इस पाठ के सार को समझ लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से बनेंगे। मैं आपको जब पढ़ाऊंगी आगे तो इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ाऊंगी। तब तक आप रजिस्टर में बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा और पढ़ते जाइए। धन्यवाद।